Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Avasthi. As we are continuing with the Ancient History Lecture Series, this is lecture number 18th. So, you will remember, we have started with the Gupta Empire. Gupta Empire ka part 1 we have already come in front of you. Uspe we have discussed, you will remember, Chandragupta first discussed and discussed Samantagupta ke baare mein bhi discuss kiya tha. Uske aage continue karenge apan. Aaj jo hamara discussion hoga, jo third important ruler raha hai, that is Chandragupta second. To dekh sakte hain, jo heading dal rakhi maine Gupta Empire 319 se 540 AD. ठीक है, तो जिसने हमारे पहले इसका लास्ट लेक्चर नहीं देखा, दैट इज लेक्चर नंबर 17, उसको जरूर देख लें, देन आपको ये लेक्चर और बेटर समझ में आएगा. ठीक है, तो चलिए, थर्ड रूलर होने वाला गुप्ता एम्पायर का, दैट इज चंद्रगुप्त सेकंड. टाइम पीरियड देख लीजिए, 380 AD से लेके 412 AD. ठीक है, ये फेमस है चंद्रगुप्त सेकंड बिकॉज ही इज नोन एज विक्रमादित्य. ठीक है, तो याद रखिएगा, विक्रमादित्य कहा जाता है बिकॉज ही हैज अ विक्ट्री ओवर शाकास. तो शाकास के ऊपर विक्ट्री थी, शाकास वाज द रूलर ऑफ वेस्टर्न इंडिया, वेस्ट इंडिया में इनका बहुत रूल था. ठीक है, तो उसको इन्होंने हराया था. किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने. ठीक है, एक्चुअली चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने गुप्त एम्पायर को और ज्यादा एक्सटेंड किया, और ज्यादा बढ़ाया. याद रखिएगा, यहां पर उन्होंने यूज किया मैरिज अलायंसेस. मैरिज अलायंसेस मतलब किसी दूसरे से शादी करके, उन्होंने किसी क्वीन से शादी करके वो एम्पायर अपने गुप्त एम्पायर में एड ऑन किया. ठीक है, तो मैरिज अलायंसेस हुए. ठीक है, और इवन कंक्वेस्ट, बहुत से एरिया को कैप्चर भी किया गया. ठीक है, तो इससे एम्पायर वॉज एक्सटेंडेड. अब प्रीलिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ये आयरन पिलर, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? आंसर वुड बी चंद्रगुप्त सेकंड. ये आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार, अगर आप जाते हैं दिल्ली में तो वहां पर आप देख सकते हैं आयरन पिलर. ठीक है, यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है. ठीक है, याद रखिएगा, मेहरौली दिल्ली में है. ठीक है, तो मेहरौली दिल्ली में ये आयरन पिलर लोकेटेड है. ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है. फाइन, आपने सुना होगा, ही वाज अ चाइनीज ट्रेवलर. ठीक है, वो आता है एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड. हाँ, ऑफ कोर्स ही डजंट विजिट द चंद्रगुप्त सेकंड कोर्ट, मतलब जो चंद्रगुप्त सेकंड है उनके कोर्ट को विजिट नहीं करता है, बट ही विजिटेड, याद रखिएगा, एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, बट नॉट विजिटेड हिज कोर्ट. इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखिएगा, अबाउट इंडिया, जो इस टाइम पर वो लिखता है चंद्रगुप्त सेकंड रूल कर रहे थे, दैट इज फुकुकी. याद रखिएगा, फुकुकी वाज अ बुक, इट इज अबाउट इंडिया, इट वाज रिटन बाय फाइन. तो याद रखना आपको, फाइन किसके टाइम पर आया था. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स भी रहे हैं, जिनमें वन ऑफ द फेमस स्कॉलर, दैट वाज कालिदास. ठीक है, तो पूछा सकता है कालिदास किसके टाइम पर थे, आंसर भी चंद्रगुप्त सेकंड. ठीक है, और अमर सिम्हा. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स है एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड. अगर मैं कालिदास की बात करूं, तो कालिदास की बहुत फेमस बुक्स हैं जो डायरेक्टली आ सकती है, पूछी आ सकती है आपसे, ये बुक्स किसने लिखी है. ठीक है, जैसे कि ऋतु संहार, याद रखिएगा, मेघदूतम, कुमार संभवन, याद रखिएगा, एंड रघुवंशा. ठीक है, तो याद रखिएगा, रघुवंशा, ऋतु संहार, ये सब मैंने आपको जो चार बुकें बताई हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट वाज रिटन बाय हुम? इट वाज रिटन बाय कालिदास. कुछ इंपॉर्टेंट ड्रामा भी हैं, याद रखिएगा, दैट वाज रिटन बाय कालिदास, वो आप देख सकते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लिए, अभिजन शकुंतलम. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द फेमस ड्रामा दैट वाज रिटन बाय कालिदास. ठीक है, देन मालविका अग्निमित्रा, दिस ऑलरेडी केम इन यूपीएससी, ऑलरेडी यूपीएससी में आ चुका है ये, तो इसको जरूर देखिए, लव स्टोरी है. ठीक है, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स बताना है ये लव स्टोरी किन दोनों के बीच में है. ठीक है, तो याद रखिए, दिस ऑल्सो ड्रामा रिटन वॉज रिटन बाय कालिदास. और लास्ट जो है, याद रखिएगा, विक्रम वैश्यम, याद रखिएगा, विक्रम वैश्यम, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट ड्रामा ऑफ एट द टाइम ऑफ कालिदास, विच वॉज रिटन बाय कालिदास. तो कुछ इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में, कभी स्टैटिक एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इस ड्रामा को या इस बुक को किसने लिखा है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स देखते हैं जो थे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन भी किया है. जैसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्कॉलर वॉज शूद्रक, याद रखिएगा. ठीक है, इन्होंने बहुत फेमस बुक लिखी हुई है, दैट इज, याद रखिएगा, मिथ, याद रखिएगा, ये है मिर्च कटिका. ठीक है, तो मिर्च कटिका डायरेक्टली एग्जाम में आ सकती है, किसने लिखी, आंसर वुड बी शूद्रक. ठीक है, नेक्स्ट, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, याद होगा, मुद्राक्षक. ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मुद्राक्षक ऑलरेडी आ सकता है, और इसको किसने लिखी है, विशाखा दत्त ने. ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आपके प्रीलिम्स में हो सकता है क्वेश्चन. अब एक मैंने नोट करके लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रामा है. ठीक है, दैट वाज नोन एज देवी चंद्र गुप्तम, याद रखिएगा, देवी चंद्र गुप्तम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ड्रामा. ठीक है, अब इस ड्रामा में है क्या, मैं आपको बताऊं, किंग है जिनका नाम है रामगुप्त. ठीक है, रामागुप्ता. ठीक है, रामागुप्ता वाज अ किंग. उनकी क्वीन है जिसका नाम है
ध्रुव देवी, ठीक है। अब एक्चुअली होता ऐसा है कि किंग और क्वीन है, ठीक है, इन किंग की लड़ाई होती है साकास से, ठीक है, जिसमें ये हार जाते हैं साकास से, और साकास बोलते हैं हम आपको छोड़ देंगे, उसके बदले आपको अपनी क्वीन हमको देनी पड़ेगी। और रामगुप्त, याद रखिए रामागुप्त इस बात के लिए रेडी हो जाते हैं। इस बात को देखते याद रखिए चंद्रगुप्त सेकेंड बहुत गुस्सा होते हैं, ठीक है, एक्चुअली वो रामागुप्ता को भी मार देते हैं प्लस साकास को भी हरा देते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था साकास को हराया था किसने, विक्रमादित्य का टाइटल मिला है चंद्रगुप्त सेकंड ने, है ना। और ये ध्रुव देवी से याद रखिएगा वो खुद शादी कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द स्टोरी, वन ऑफ द ड्रामा दैट वाज रिटन, याद रखिए दैट वाज देवी चंद्रगुप्तम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रामा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है ये किससे रिलेटेड है, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें अगेन स्कॉलर के बारे में, वत्स्यायन, याद रखिएगा वत्स्यायन ने इंपॉर्टेंट कामसूत्र जो बुक है वो भी चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर ही लिखी गई है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नवरत्न, ठीक है, जिनको अपन नाइन जेम्स कहते हैं, ठीक है, ये भी चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर थे। ये नवरत्न हैं कौन-कौन से, एक तो इंपॉर्टेंट है दैट इज कालिदास, ठीक है, नेक्स्ट है अमर सिंह, याद रखिएगा धनवंतरी, याद रखिएगा धनवंतरी, ये जो इंपॉर्टेंट है धनवंतरी, ठीक है, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ कालिदास, सॉरी एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, ये नाइन जेम्स में आते हैं, ठीक है। वरा मेरा, याद रखिएगा अरारुचि, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, घटक करना, घटक करण, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, घटक करना, इसका आप नाम नोट डाउन कर सकते हैं, GHATAKARNA, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शाप्रनक के सारे ने यहाँ पे शाप्रनक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेला भट्ट और शाकू, तो ये नाम देखिए आपको याद नहीं रख रहे हैं कि अभी ये नवरत्न में नाइन जेम्स में कौन कौन है, बट स्टिल एक बार गोथ्रू कर लीजिए, अगर एग्जाम में आता है विच अमंग द फॉलोइंग वर नॉट द नाइन जेम्स, ठीक है, तो आप एग्जाम में एटलीस्ट नाम देख के पहचान सके हाँ ये नाइन जेम्स में हमने देखे थे, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है नवरत्न या नाइन जेम्स जो थे, ठीक है, वो किसके टाइम पे थे, आंसर भी चंद्रगुप्त सेकेंड, ठीक है। अब चंद्रगुप्त सेकेंड के बाद अपन अपने नेक्स्ट गुप्त एम्पायर के रूलर में आते हैं, वेरी फेमस दैट इज कुमारगुप्त, ठीक है। कुमारगुप्त जो है टाइम पीरियड देख लीजिए 415 से लेके 455 AD, ठीक है। इनकी बात करूं तो इनके टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्रेट रहा है हमेशा, दैट इज हुंस थ्रेट, ठीक है। अब ये हुंस कौन थे, ये एक तरीके से चाइनीज की ट्राइब है, याद रखिएगा, विच आर हैविंग, याद रखिएगा, बैड रिलेशन मतलब अटैक करने के मूड में वो इंडिया में, उस टाइम पे कुमारगुप्त है, तो याद रखिएगा हुंस का उसको हमेशा थ्रेट रहता था, ठीक है। और कुमारगुप्त की बात करें तो इसमें क्वेश्चन जो आता है प्रॉब्लम्स में वो मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले याद रखिए वर्शिप कार्तिकेय की ये पूजा करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन ये है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में है वो किसने एस्टैब्लिश की है, आंसर भी कुमारगुप्त, ये प्रॉब्लम्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगले रूलर जो है स्कंदगुप्त, टाइम पीरियड है 455 से लेके 467 AD, इनका क्वेश्चन आता है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, आंसर वुड बी स्कंदगुप्त, मैंने लिखा भी ही वाज द लास्ट रूलर, ठीक है। और हुंस ने इनके टाइम पर, जो हुंस मैंने अभी आपको बताया जो एक चाइनीज ट्राइब है, उन्होंने इस टाइम पर ही इन्वेड कर लिया था इंडिया को, तो मैंने लिखा भी हुंस इन्वेडेड एट द टाइम ऑफ स्कंदगुप्त, ठीक है। इनको भी, इन्होंने भी विक्रमादित्य का टाइटल ले रखा है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट हुंस को रिपल किया था, बट एक्चुअली एंड में वो इन्वेड कर लेते हैं, बट ही रिपल हुंस, याद रखना आपको, ठीक है। और ये उन्होंने रिपल किया था हुंस के अगेंस्ट, ये किस में लिखा हुआ है, वन ऑफ द फेमस इंस्क्रिप्शन पूछा सकता है, वृत्तरी इंस्क्रिप्शन पूछा सकता है, वृत्तरी इंस्क्रिप्शन जो है, पहली बात ये इंस्क्रिप्शन कहां पे बता दूं, उत्तर प्रदेश में, आज मुझे लगता है ये इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, आंसर वुड बी स्कंदगुप्त, तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इसको जरूर याद रखना है इंस्क्रिप्शन के बारे में, ठीक है। तो यहां से जो हमारे इंपॉर्टेंट रूलर्स थे गुप्त एम्पायर के वो कंप्लीट हो गए, अब हम थोड़ा बेसिक उसका एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं कि गुप्त एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज का अगर मैं एग्जाम्पल दूं, ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज में आप देख सकते जो विलेज हेडमैन है उसको बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं नीचे पावर्स बहुत ज्यादा हैं। एग्जांपल विलेज हेडमैन वर गिवन पावर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगर देखा जाए, मैंने अभी डिसेंट्रलाइज का एग्जांपल लिया आपके सामने, इन द गुप्ता एंपायर सेल्फ गवर्निंग ट्राइब्स, जो ट्राइब्स हैं याद रखिएगा दे आर सेल्फ गवर्निंग, तो देख सकते हैं आप डिसेंट्रलाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। इवन ये भी जैसे आज की डेट में यूपीएससी होता है जो रिक्रूट करते हैं सिविल सर्वेंट्स को, उस टाइम पे याद रखिएगा कुमार मत्यास, याद रखिएगा कुमार मत्यास हुआ करते थे, ये एक्चुअली एक तरीके से बॉडी मान लो आप, विच रिक्रूट सिविल सर्वेंट्स या हाई ऑफिशियल्स को रिक्रूट करते थे, जस्ट लाइक यूपीएससी टुडे, ठीक है। सिविल और क्रिमिनल लॉ जो है वो प्रॉपरली डिफाइंड थे, याद रखिए एट द टाइम ऑफ गुप्ता एम्पायर। सोसाइटी की बात करूं तो सोसाइटी देखा है तो वुमेन्स के लिए तो इतनी अच्छी नहीं थी गुप्ता एम्पायर में, देखा जा सकता है वुमेन का स्टेटस डाउन हो रहा है, बट देखा जैसे कोई फॉरनर्स हुआ करते थे तो
तो उनको इंडिया में ऐड किया, जब इंडिया में आ रहे हैं वो, ठीक है, तो इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, उनको क्षत्रियास, जो वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण क्षत्रिया, क्षत्रियास में इंक्लूड कर रहे हैं, पर उन फॉरनर्स को क्षत्रियास में इंक्लूड किए ले रहे हैं, ठीक है, जो ट्राइबल पीपल है उनको ब्राह्मणिकल कल्चर में इंक्लूड किए ले रहे हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट, जो कल्चर ट्राइब है, मतलब जो जंगली ट्राइब है, ठीक है, उसको अपन शूद्रास में इंक्लूड किए ले रहे हैं, ठीक है। और याद रखिए, पोजीशन ऑफ वुमेन अच्छी नहीं थी, बुरी पोजीशन थी वुमेन्स की, जैसे कि सती अपन एविडेंट है यहाँ पर, ठीक है, पॉलीगैमी, मल्टीपल मैरिजेस एविडेंट है, अर्ली मैरिज, मैरिजेस जल्दी हो रही हैं, ये एविडेंट है, ठीक है। इवन याद रखिएगा, वज्रयानिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, वज्रयानिज्म, ये भी बुद्धिज्म का ही एक वे है, बुद्धिज्म में जहां पर अपन टोटके, जैसे मैजिकल चीजें, इन सब चीजों पे बिलीव करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैजिकल चीजों पे बिलीव किया जा रहा है, तो ये सब चीजें एविडेंट है सोसाइटी में, ठीक है। तो अपन ने देखा सोसाइटी के क्या फीचर्स थे और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। और अगर मैं बात करूं ओवरऑल क्या फीचर्स हैं गुप्ता एम्पायर के, तो बेसिक अगर मैं इसको कंक्लूड करूंगा चैप्टर को, याद रखिए फॉरेन रूल पूरी तरीके से हट चुका है, देयर इज नो फॉरेन रूल इज रिमूव्ड, हिंदुइज्म का रिवाइवल है, अब हिंदू किंग होने लगे हैं, हिंदुइज्म का रिवाइवल है, प्लस टॉलरेंट सोसाइटी है, सोसाइटी टॉलरेंट है, ठीक है। देन संस्कृत भी डेवलप हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और याद रखिएगा गवर्नेंस भी अच्छी है, गुड गवर्नेंस है, एकदम स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स नहीं है, माइल्ड पनिशमेंट्स हैं, ये देखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन आगे चल के अपन देखते हैं, स्कंद गुप्त आ गया है, हुंस ने इन्वेड कर लिया और एम्पायर डिक्लाइन भी कर गया आगे चल के। तो अगर डिक्लाइन की बात करें तो रीजन है कि इसमें बहुत सारी फ्यूडिटरीज आगे आ जाएंगी, जमींदार बहुत से आ जाएंगे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। ट्रेड भी डिक्लाइन हो रहा है आगे चल के, गुप्ता एम्पायर में ट्रेड डिक्लाइन होने लगता है। वर्ण डिस्टिंक्शन जो है ब्राह्मण क्षत्रिय, इनका डिस्टिंक्शन बहुत वाइड हो गया है, ठीक है, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना। और कोई बिग आर्मी, सेंट्रल आर्मी, कोई एक सेंट्रल आर्मी या बिग आर्मी नहीं रह गई है यहां पर, तो ये कुछ डिक्लाइन के रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द गुप्ता एम्पायर, ठीक है। तो यहां पर हमने अपना गुप्ता एम्पायर टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। हमारा अगला टॉपिक जो होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी द हर्षवर्धन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे अपने एंशियंट हिस्ट्री को। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो, प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर यू कैन गिव अस कमेंट, अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। और इफ यू नीड आर नोट्स, अगर आपको हमारे नोट्स की जरूरत है, तो नोट्स आपको याद रखिएगा आपके घर तक, आप जहां भी रहते हो ऑल ओवर इंडिया, वो थ्रू कुरियर आपके घर तक पूरे कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस का पैकेज, यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो नोट्स आपके घर तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पर एक बार कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। थैंक यू।